ये दिल्ली के चर्चित जिगीशा घोष मर्डर केस में अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह को मुजरिम माना है। तीनों दोषियों को 20 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीओ कर्मचारी जिगीशा की मार्च 2009 में हत्या कर दी गई थी। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी और भी अपडेट दें। गोपाल, कोर्ट में आज क्या हुआ? देखिए, आज इस मामले में ऑर्डर था और साकेत कोर्ट ने इस मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक तीनों को दोषी करार दिया है और कोर्ट सजा पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट जो है सजा पर फैसला सुनाएगा। लेकिन कहा जा रहा है बचाव पक्ष की ओर से कि वह कोशिश करेंगे कि कम से कम अदालत सजा दे। वहीं प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा जा रहा है कि वह अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन तीनों ने जिगीशा घोष की हत्या की है वह कहीं ना कहीं ब्रूटल की श्रेणी में आता है, इसलिए इन तीनों को अधिक से अधिक सजा की मांग की जाएगी। साथ ही प्रोसिक्यूशन का यह भी कहना है कि यह सिर्फ जिगीशा हत्या मामले में ही शामिल नहीं रहे हैं, बाकी एक अन्य पत्रकार की हत्या के मामले में भी ये तीनों शामिल रहे हैं। चले गोपाल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। और शोभा ओझा कांग्रेस की नेता, इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। फैसले का स्वागत करते हैं। जिस तरह से जिगीशा को मारा गया था, निश्चित ही जो दोषी थे उनको सजा होनी चाहिए थी, और इस वर्डिक्ट से, इस फैसले से समाज में उन तमाम लोगों में एक डर बैठेगा जो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। 7 साल में हम लोगों को मेंटल, फिजिकल सब तरह का हम लोगों का एक कठिनाई आया। फिजिकली भी हम दोनों ही बराबर बीमार चलते रहे, और हम लोगों का यहाँ दिल्ली में कोई पुलिस की तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिला, जैसा आपने बताया कि आप लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने हर संभव आपकी मदद की। पुलिस ने हर संभव मदद किया, पहले ऐसा सीरियस हुआ था जब अचानक ये न्यूज सुना, पुलिस अगर हमें संभाल नहीं लेते तो आए कुछ हो ही जाता, क्योंकि मैं ऐसा मेंटल कंडीशन में नहीं थी जहाँ जिंदा रहूं, लेकिन पुलिस ने खूब तब मदद की, बहुत मदद। पुलिस ने एक तरफ आप लोग ने, अभी डेथ पेनल्टी होगा तब मिलेगा, तब मुझे लगेगा जो पूरा मुझे इंसाफ मिला। बहुत खत्म हो गया सब कुछ, और लाइफ में कुछ रहे ही नहीं, तब से ना खाया ना, आज 7 साल 4 महीने से सोया नहीं मैं, न्यूरोलॉजिकल ये डिजीज भी मेरा हो गया। मैं आज मैंने एकदम पूरा घर में रहती हूँ, दोनों खाली चुपचाप बैठे रहती हूँ खाली घर में। एक बच्चे, जिस बच्चे हमारा मन जिंदगी थी उसको छीन लिया, किसके एक बेटी के लिए खाना बना कर बैठी थी, आएगी अभी बेटी, वो आई नहीं। जिस तरह से तकलीफ में आप गुजर रही हैं, जो चीजें आपके साथ हुई कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन आप एक लंबी लड़ाई 7 साल से लड़ती हैं, एक एक कोर्ट के डेट को आप लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया, आज कोर्ट ने उन्हें कन्विक किया, सजा दोषी पाया। 20 अगस्त को कोर्ट इस पे पूरी मामले को आगे बढ़ाएगी। क्या आप लोग क्या चाहती है आपकी किस तरह लड़ाई लड़ी है आप लोग मतलब जो 7 साल बीते हैं आपके वो कैसे बीते? 7 साल तो बहुत तकलीफ में बीते, बहुत तकलीफ में। अभी अभी हम दोनों को इन्फ्लुएंजा हुआ है, मेरे डायबिटीज भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इन्होंने मैंने संभाला, मैं तो बीच तो छोड़कर अभी आज आया, आज इनसे पूछिए, मैं आज आने का कंडीशन में नहीं था, लेकिन आज जजमेंट का ये था इसीलिए आई, उठ ही नहीं पाया मैं। अच्छा ये बताइए कि पुलिस आपके साथ उजड़ गया? बिल्कुल उजड़ गया एकदम, ना मैं कंगी करती हूँ ना ठीक से, ना कोई पूजा अटेंड, तो घर में ही चुपचाप बैठे। तो पुलिस आपके साथ आपके घर के मदद कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद कर रही थी? हाँ, मदद बहुत की पुलिस का, इसी से ही तो सब हुआ है। पुलिस ने बहुत सब रिकवरी किया, पूरा डायरेक्ट एविडेंस भी है, पुलिस ने बहुत किया हमारे लिए। पुलिस ने 7 साल में भी जब भी हमें कोई कठिनाई आता था
तो हम पुलिस में अतुल कुमार जी को उनके साथ, उन्होंने खुद पर्सनली पूछते थे हम लोग कैसे हैं, उन्होंने बहुत मदद की हमारा। अतुल अतुल कुमार जी ने डेथ पेनल्टी चाहिए, मैं जैसे तरुण मेरी बेटी को जैसे एक झटके में खत्म होते उसको भी ऐसा ही डेथ पेनल्टी से छोड़ कर कुर्त पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, डेथ पेनल्टी होना चाहिए। ऐसा था कोर्ट ने गिल्टी होल्ड कर दिया, यानी तीनों मुजरिम जो है उनको गिल्टी होल्ड कर दिया और बन सके बता। उसके बाद 20 तारीख को क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे ये केस रखा गया है 20 अगस्त को। इस बीच में कोर्ट ने SHO को डायरेक्शन दी है कि इनके फाइनेंशियल पोजीशन देखे क्या है, एक्यूज की भी देखे फाइनेंशियल पोजीशन, सो दैट व्हाट एप्रोप्रिएट कंपनसेशन शुड बी गिवन टू देम। क्योंकि इन्होंने 7 साल में न सिर्फ लड़की खोई है जो इनकी फैमिली की ब्रेड अर्नर थी, जो जिसकी वजह से इनके घर का चूल्हा चलता था, और 7 साल से ये बेपनाह दोनों बीमार हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम हैवी डायबिटीज एंड अदर एलिमेंट्स। उसके बावजूद भी ये खामोशी से ये केस हर डेट पे आते रहे और केस करते रहे। देखिए आप पुलिस का पूछ रहे थे ना, देखिए अभी जजमेंट हमें नहीं मिला है, देखिए हाँ ओरल जो प्रोनाउंस किया है उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन हैज रीच टू इस कंक्लूजन दैट फ्रॉम ए केस अंडर सेक्शन 302 एटसेट्रा इज मेड आउट, 302 में बनता है। अब क्वांटम का मतलब यह है कि 302 बनने के बाद क्या इनकी सजा डेथ होना चाहिए मुजरिमान की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। अब इस पे हाँ एक प्रोबेशन ऑफिसर का भी वो क्या है वो डिफरेंट पर्पस के लिए उसके